हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काव्या। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस खूबसूरत पौधे के बारे में और इसका नाम है हाइबिस्कस म्यूटेबिलिस। इसे लैंड लोटस, स्थल पद्मा या स्थल कमल भी कहा जाता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है और इसे मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन एक फेसबुक सेलर से 2 साल पहले और ये है पहला फ्लावरिंग फ्रेंड्स। 2 साल बाद इसने जो है मेरे गार्डन में फ्लावर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड्स ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो 2 साल क्यों लगा ये मैं आगे आपको बताऊंगी, बट इससे पहले हम बात करते हैं इस प्लांट के बारे में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। एक बार आप अपने गार्डन में ऐड करोगे तो ये सालों साल चलेगा। तो ये जो आप कलर देख रहे हो फ्रेंड्स, ये एक कलर चेंजिंग प्लांट है, यानी फ्लावर जो है कलर चेंज करता है। तो अभी मॉर्निंग में आप इसका कलर देखिए, बिल्कुल वाइट एंड लाइट पिंकिश आपको दिखेगा, यानी मॉर्निंग में ये वाइट कलर खेलता है। आफ्टरनून 1 या 2 बजे वो लाइट पिंक होता है और जैसे ही 4 या 5 बजता है आप देखिए ये बिल्कुल पिंकिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मुझे काफ़ी पसंद था प्लांट, काफ़ी टाइम से मैं इस प्लांट को सर्च कर रही थी बट ऑफलाइन मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया था। इसका जो कलर चेंजिंग नेचर है यही बहुत ही ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत इसका फ्लावर लग रहा है और बर्ड्स भी देखिए कितने प्रिटी है। तो इस प्लांट को आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। तो इसको किस तरह लगाना है, इसकी केयर क्या है, किस टाइप के फर्टिलाइज़र हमें इसे देने हैं, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पॉट की। तो अगर आपके पास ग्राउंड में स्पेस है तो आप इसे ज़रूर ग्राउंड में ही लगाइएगा, ये काफ़ी हाइट में ग्रो होता है। तो अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है, जैसे कि मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसे पॉट में ग्रो किया है। तो अगर आप पॉट में भी ग्रो करते हो तो थोड़ा बड़ा साइज़ का आप पॉट दीजिएगा। मेरे पास तभी 12 इंच का ही पॉट अवेलेबल था तो मैंने उसी में लगाया और मेरा प्लांट भी काफ़ी छोटा था तो इसीलिए मैंने बड़ा पॉट नहीं दिया है। तो इस रेनी सीजन में शायद मैं इसे रीपॉट कर दूँ बड़े पॉट में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सॉइल की। तो सॉइल के लिए इसे हमें देना होगा 50% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 20% आप वर्मी कंपोस्ट दीजिएगा। साथ में आप 1 से 2 चम्मच नीम खली और बोन मील ज़रूर दीजिएगा। बोन मील बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है जो कि आपके प्लांट की ग्रोथ में और साथ ही साथ रूट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो जितने अच्छे और हेल्दी रूट्स होंगे उतना ही आपका प्लांट हेल्दी होगा और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से करेगा। तो आप बोन मील ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब बात करते हैं पानी की। तो जब भी आप इसकी सॉइल ड्राई दिखे, यानी 1 से 2 इंच की सॉइल आपको ड्राई दिखे, तभी आप इसमें पानी दीजिएगा। अगर आप पानी देना भूल जाए तो प्लांट आपको रिमाइंड भी करेगा, इसके जो लीव्स है वो ड्रूप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि प्लांट को पानी की ज़रूरत है। तो ज़्यादा जो है प्लांट स्ट्रेस में जाता है अगर हम पानी टाइम टू टाइम ना दे और ग्रोथ में भी अफेक्ट करता है। तो आप सॉइल चेक करके टाइम टू टाइम इसमें पानी दीजिएगा। समर्स में हो सकता है आपको 2 बार पानी इसे देना पड़े। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सनलाइट की। तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है तो आपको बहुत ही अच्छी सनलाइट इसे देनी होगी। जितनी अच्छी सनलाइट होगी उतने ही बर्ड्स ये प्रोड्यूस करके देगा। और मैंने नोटिस किया है कि जो लोकेशन मैंने इस प्लांट को दिया है वहाँ पर इसे आफ्टरनून की सनलाइट मिलती है, यानी 11 या 12 बजे के बाद से लेकर 4 या 5 बजे तक की धूप इसे मिलती है, जिसकी वजह से इसमें जो कलर चेंज है वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है। तो आप ऐसी लोकेशन दीजिएगा जहाँ पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिल सके ताकि ये ज़्यादा प्रोड्यूस करे बर्ड्स और कलर चेंजिंग भी आपको काफ़ी खूबसूरत इसमें देखने मिले। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो प्रॉपर फ्लावरिंग के लिए आपको इसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स देना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप हर मंथली इसमें 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट दीजिएगा, साथ में 1 से 2 चम्मच नीम खली, बोन मिल और 1 स्पून सीवीड ग्रैन्यूल्स ज़रूर दीजिएगा। सीवीड ग्रैन्यूल्स एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है जो आपके प्लांट की ग्रोथ में और फ्लावरिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। और साथ में आपको देना होगा फ्रेंड्स पोटेशियम का सोर्स इसे देना होगा। तो अगर आपको केमिकल देना है तो आप इसमें पोटाश दे सकते हो, 1 स्पून आप पोटाश दीजिएगा, या फिर आप ऑर्गेनिक जाना चाहते हो जैसे कि मैंने दिया है इसे बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो हर हफ्ते मैंने इसे बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है। आप चाहो तो स्प्रे भी कर सकते हो पत्तों पर, जिससे प्लांट जल्दी जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आप सॉइल में या फिर स्प्रे करके भी दे सकते हो। तो वीकली 1 बार आपको बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होगा।
साथ में आपको इस पे ज़रूर स्प्रे करना होगा नीम ऑयल, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही जो है पेस्ट अटैक होने वाला प्लांट है। तो आपको मैं बता देती हूँ 2 साल क्यों लगा इस प्लांट को फ्लावरिंग करने में। तो छोटा प्लांट था तो मैंने इसकी जो है एक बार पिंचिंग की थी तो 2 ब्रांच हो गए थे, बट इसमें फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो है मिली बग्स का अटैक हो गया था। मुझे लगा शायद प्लांट बचेगा ही नहीं, बट मैंने होप जो है खोया नहीं और इसमें काफ़ी अच्छे से पानी का स्प्रे किया। उसके बाद हर 3 दिन के गैप में मैंने इस पर नीम ऑयल का स्प्रे किया और हफ्ते में एक बार इस पर मैंने मेलाथियोन का स्प्रे किया था। उसके बाद जो है फ्रेंड्स अभी तक इसमें कोई भी पेस्ट अटैक नहीं हुआ है। तो वीकली या 10 दिन के गैप में मैं इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, जिससे ये प्लांट अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में आप देख सकते हो, ग्रोथ भी हुआ है और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छे से ये कर रहा है। और साथ में आप जब भी नीम ऑयल स्प्रे करते हो तो सीवीड लिक्विड भी आप दीजिएगा। सीवीड लिक्विड भी बहुत ही अच्छा एक सोर्स है प्लांट के लिए, जो कि ग्रोथ और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। तो इन सारे फर्टिलाइज़र के साथ आप इस प्लांट को ग्रो कीजिएगा, आप देखिए आपके प्लांट पर भी डेफिनेटली फ्लावरिंग होगा। अब बात करते हैं प्रोपगेशन की, तो आपको इसकी प्रूनिंग आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। ये काफ़ी हाइट में ग्रो होता है, तो अगर आप एक मिनिमम हाइट चाहते हो इस प्लांट की तो आपको टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करनी होगी, वरना ये काफ़ी हाइट में ग्रो होता है। तो जब भी आप इसकी प्रूनिंग करते हो तब आप इसकी कटिंग्स ज़रूर प्रोपोगेट कीजिएगा। काफ़ी इजीली इसकी जो है कटिंग्स ग्रो हो जाती है। आप सैंड में या फिर कोकोपीट में इसके कटिंग्स ग्रो कीजिए और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इसमें काफ़ी अच्छे रूट फॉर्मेशन होंगे। तो जब भी मैं अपने प्लांट की प्रूनिंग करूँगी तो ज़रूर आपके साथ इसके कटिंग का जो है प्रोपोगेशन वीडियो शेयर करूँगी। तो आप इसकी प्रूनिंग मानसून में कर सकते हो या फिर अभी जो स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है तब भी आप कर सकते हो, जैसे कि आपका फ्लावरिंग कम्प्लीट हो चुका है। जैसे मेरे प्लांट पर पूरी तरह से फ्लावरिंग कंप्लीट होगा उसके बाद मैं इसे प्रून करूंगी तो ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लावरिंग आपको प्लांट पर देखने मिलेगी। तो आप टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग कीजिएगा और प्रोपोगेशन भी साथ में कीजिएगा। सो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, लैंड लोटस या स्थल कमल या स्थल पद्मा को हमें किस तरह पॉट में ग्रो करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।